sembuh. कहाँ जा रहे हैं हम लोग? काल भैरव जा रहा है, 5-6 मंदिर है शेर भार के, वहाँ घूमेंगे और आपको गुरु बताएंगे, सब जगह गाइड करेंगे आपको। जय श्री महाकाल। आइए, तो मजा आएगा आपको, वीडियो सब जगह आप पूछेंगे आप बताइएगा। ठीक है, जय महाकाल। तो जा रहे हैं अभी हम लोग यहाँ से काल भैरव। रास्ते में बहुत सारा मंदिर है, बहुत सारा तीर्थ स्थल है, सभी को घूमते हुए जाएंगे महाकाल मंदिर। और आप लोग इस वीडियो को पूरा जोर देखिएगा, आप सभी का मनोकामना जोर पूरा होगा। जय महाकाल। अभी हम लोग आए हैं महर्षि संदीपनी आश्रम, यहाँ पे श्री कृष्ण जी और सुदामा जी का शिक्षा दीक्षा ग्रहण हुई थी। और इस परिसर में बहुत सारा मंदिर है, छोटा बड़ा, और एक मंदिर कुबेर जी का भी है। मोबाइल कैमरे बंद कर लो भैया। यहाँ पे श्री कृष्ण जी द्वारा ग्रहण किए गए 64 कलाओं का वर्णन किया गया है, आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया है। यहाँ और इसी परिसर में एक सरोवर भी है, छोटा सा कुंड। यहाँ पर बैठ के आप यहाँ का सुहावना नज़ारा देख सकते हैं। ये देखिए कितना बड़ा कछुआ है इसमें, है नहीं तो। ये आश्रम है, सब आश्रम है सब। ये कुंभ रहता है ना, तब बाबा लोग फिरते हैं सब जगह आश्रम की। भारत साल में एक बार कुंभ रहता है ना, मंगल ग्रह का मंदिर, ये पूरे भारत का एकमात्र मंदिर उज्जैन में कल के रेखा विराजमान है। यहाँ पर भगवान शिव के रूप में विराजमान है। भगवान शिव के मस्तक के पसीने से उत्पत्ति हुई थी मंगल गिरे। जब भगवान शिव राक्षस से लड़ते थे थकते थे, जब पसीने की बूंद गिरी उससे उत्पत्ति मंगल गिरे की हुई थी। जब राक्षस का वध करा था पूरा गिरे लाल हो गया था, मंगल गिरे लाल है ना, जब लाल शिव का दान करता है, अब तब का नाम और गोत्र बोल के जीवन में एक बार प्रसाद के रूप में दान करवाया जाता है। उससे क्या होता है कि नवग्रह का निवारण होता है। गिरोह में जो दिक्कत होती है, दो बाधा रुकावटें जीवन में आती आती नवग्रह से आती। जब नवग्रह का निवारण हो जाता है, सारी बाधाएं रुकावटें दिक्कतें खत्म हो जाती, दूर हो जाती। तो यहाँ पर अपना अपना नाम और गोत्र बोल के जीवन में एक बार प्रसाद के रूप में दान चला जाता है ना। ये भेल की सवारी में विराजमान है, भगवान शिव के रूप में विराजमान है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि आपके हाथ से चढ़ेगा अंदर, गर्भगृह में एंट्री भाई साहब क्या, अंदर जाओगे आपको गर्भगृह में एंट्री। पंडित जी मंदिर जाप बोलेंगे और आप सीखेंगे, आप चढ़ाओ थोड़ा बहुत, पंडित चढ़ाएंगे फिर आपको थोड़ा बहुत सामग्री घर ले आने के लिए भी देंगे। वो आओ वहाँ पे, आप मंदिर बोल दूंगा तो मंदिर समिति वाले आपको जानकारी देंगे वहाँ पर मंदिर में क्या किस चीज का मंदिर है, दान के चलता है, आओ आप। और यहाँ पे आ गए हम लोग श्री मंगल धाम। एक दूसरे से शेयर नहीं किया जाता, काल भैरव भी जाओगे दूर से ही दर्शन मिलेंगे आपको, इसी मंदिर में चलो। एक महीने पहले माता पूरा जानकारी दीजिए इसके बारे में, पंडित जी बैठे हैं जाएंगे चढ़वाते जाएंगे मंदिर में, लेट हो रहा है, जाइए चलते पहले जानकारी सुनो मंदिर। पूरे भारतवर्ष में बस एक ही ये मंगल धाम मंदिर है, यहाँ पे कोई भी मंगल दोष है उसका निवारण किया जाता है। आत्मा नाम महाराज।
अभी फिर अपना लोग कहाँ जाए बता मंदिर जो अपने जो होता पशुपति ना हाँ जी नया बना अच्छा और ये छिपरा नदी आ गई ये छिपरा नदी यहाँ पे अमृत गिरा था नदी में जब कुंभ भरा था 12 साल में एक बार इन्हीं के घाटों के आसपास बना भरा था इन्हीं के घाटों के आसपास में बाबा राव संत लोग नागा बाबा जो है कि वो स्नान करते आगे नर्मदा ओंकारेश्वर 150 किलोमीटर ओंकारेश्वर के पास यहाँ मध्य प्रदेश में दो है एक ओंकारेश्वर है एक महाकालेश्वर है। अच्छा अब यहाँ मैं भी यहाँ घूम रहा हूँ महाकालेश्वर में 3.5 घंटे की यात्रा में यहाँ यात्रा होती है अलग अलग एक 84 महादेव की होती है एक जो है अष्ट भैरव होती है एक 64 जोगनी होती है एक 7 सागर होती है अपन घूम रहा 3.5 घंटे की यात्रा में। अच्छा जिससे बड़ी यात्रा छोटी और बड़ी रात वगैरह होते हैं ना वो सब यात्रा होते हैं हमारे उज्जैन में यहाँ पे इसका नाम है सिद्धार्थ सामने इधर फिर काल भैरव आप बोलो तो सारे काल भैरव चले इधर चला सिद्धार्थ काल भैरव काल भैरव चले वो हाथ जोड़ लो सामने गेट है ये देखिए केंद्रीय जेल उज्जैन ये काल भैरव आ गए हमारे यहाँ पे सब एक साथ जाना और एक साथ आना ठीक है बहुत भीड़ रहती है घूमने भटकने का डर रहता है मैं गेट बता दूंगा सीधे गेट में जाना और निकल जाओगे आगे से निकलोगे पीछे से आपने गाड़ी खड़ी हुई सामने जूता स्टैंड लिखा रहा और सीधे जाना और देखो जूता स्टैंड सामने उतर है दारू की दुकान है वहां से अंदर जाना है और निकलोगे इधर से लोग निकल के आ रहा है। हर हर महादेव हर हर महादेव। अभी जा रहे हैं हम लोग काल भैरव को दर्शन करने के लिए हम सारे दोस्त लोग और वहाँ पे पूजा करके आएंगे फिर जाएंगे महाकाल मंदिर। सबसे पहले यहाँ आके पूजा किया जाता है महंगा ये 250 का है यहाँ पे 350 रुपए का डिफरेंस एक बोली बाह 4,700 की वहाँ या 5,000 रुपए महाकाली शक्तिपीठ चलेंगे हम महाकाली शक्तिपीठ सब जगह खाली पड़ी ना ये सब पापा लोग फिर देखे 12 साल में एक बार क्या होता है इसमें बाबा लोग फिरते साधु संत लोग आते हैं ना घूम भरता उन लोगों से तो कुंभ भरा था पूरा 50 किलोमीटर का एरिया खाली पड़ा रहता है अभी जब तक के नहीं है भरा गया कुंभ जब तक के जमीन इस्तेमाल करते थे किसान 2-3 महीने के लिए सरकार को देना पड़ती कुंभ मेला तो 12 साल में होता है ना 28 में लगेगा दर्शन करके फिर गणेश जी के दर्शन कर लेना ठीक है आप
डेढ़ दो बजने वाला है, इधर से भोजन मिलेगा नहीं, उधर नहीं मिलेगा। देखो कितनी सारी चीजें आइटम, देखो भाई सामान। पहले पूजा करेंगे, पहले पूजा का ही करना है, पूजा तो वो तो पंडित जी करेंगे।